नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 को, जिसको हमने अपने कुछ सेशंस पहले, यानी कि जो हमारी छुट्टियां जब थी उससे पहले हमने ये स्टार्ट कर दिया था। जब हमारे नए सेशन की शुरुआत हुई थी तब हमने ये बुक स्टार्ट कर दी थी अपने क्लास 10th की क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2, जिसमें हमने अपने, आप देखिए, ये जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है इसमें आपके दोनों ही खंड हैं, यानी कि आपका काव्य खंड भी इसके अंतर्गत है और आपका गद्य खंड भी इसके अंतर्गत है। और आप सभी को पता है कि जो आपका काव्य खंड होता है उसमें क्या आता है, क्या चीजें आपकी उसमें पढ़ने को मिलती हैं, और जो आपका गद्य खंड होता है उसमें आपको क्या चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो जो आपका काव्य खंड होता है उसमें आप पढ़ते हैं कविताएं, और आपकी जितने भी पद हैं, सवैये हैं, दोहे हैं, और जितने भी सोरठे हैं, गजल हैं, शायरी हैं, ये सब आप पढ़ते हैं काव्य खंड में। और उसके बाद जो आपका गद्य खंड होता है उसमें आप पढ़ते हैं कहानियां, लेख, निबंध, ठीक है, या यात्रा वृतांत या संस्मरण, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं गद्य खंड में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 है इसमें आपके दोनों ही खंड हैं, काव्य खंड भी है और गद्य खंड भी है, जिसमें आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर अपने काव्य खंड को, क्योंकि हमने इसमें स्टार्ट कर दिया था अपने सेशन के स्टार्टिंग में ही अपने चैप्टर्स, जिसमें पहला चैप्टर हम पढ़ चुके थे पदों को, जो कि सूरदास के पद थे, और उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा अपना पाठ, दूसरा अध्याय हमने शुरू किया था जिसका नाम था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आप सभी को पता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ये रामचरितमानस से लिया गया एक खंड यहाँ पर है, एक पाठ दिया गया है यहाँ पर, कि ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और आप सभी को पता है कि जिस समय पर सीता का स्वयंवर हो रहा था, देखिए ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी उस टाइम पे उन्हें पता होगा, क्योंकि अभी देखिए इस बार यहाँ पर जो नया छुट्टियों के बाद जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है इसमें आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो इसीलिए पिछला मैं आपको याद दिला देती हूँ कि क्या हमने पढ़ा था, कि ये जो हमारा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें देखिए यहाँ पर जब सीता माता का स्वयंवर हो रहा होता है तो बहुत सारे अलग अलग देशों के राजा, अलग अलग देशों के राजकुमार, अलग अलग देशों के लोग वहां पर आए होते हैं स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए। और जो राजा जनक होते हैं उनकी एक शर्त होती है कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर केवल उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो शिव धनुष है ये साक्षात शिव जी का धनुष है जो उन्होंने परशुराम जी को दिया था। और क्योंकि परशुराम जी जो है वो पृथ्वी पर एक जगह पर टिके हुए नहीं रह सकते हैं, और इसीलिए वो उन्होंने ये धनुष की रक्षा का जो जिम्मा था वो राजा जनक को दिया था। तो राजा जनक को पता है कि कोई भी साधारण मनुष्य इस शिव धनुष को नहीं उठा पाएगा, कोई भी साधारण मनुष्य इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएगा। तो उन्होंने शर्त यही रखी कि जो भी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही क्या होगा, वही स्वयंवर में सीता उसी को अपने वर के रूप में चुनेगी। तो अब देखिए सारे राजाओं ने, जितने भी राजा थे, जितने भी राजकुमार थे, सबने कोशिश की, सबने उठाने का प्रयत्न किया, सबने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उठाना तो बहुत दूर की बात है, उसे हिला तक नहीं पाए कोई भी। तो उस समय पर भगवान राम जो थे वो वहां पर अपने गुरु के साथ आए हुए थे, विश्वामित्र के साथ, और उस समय पर उन्होंने जब इस धनुष को उठाया, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो वो धनुष ठक से टूट गया। और जब ये धनुष टूटा तो सारी धरती क्या हो गई, हिल गई, सारी धरती में भूचाल आ गया, क्योंकि ये कोई साधारण धनुष नहीं था, ये साक्षात शिव का धनुष था। तो उस समय पर जब पूरी धरती पर भूचाल आया तो परशुराम जी समझ गए कि ये किसी बड़ी, यहाँ पर कोई बड़ी चीज हुई है तभी ये धरती पर भूचाल आया है। तो परशुराम जी जब यहाँ पर राजा जनक के पास आए तो उन्होंने देखा कि उनका धनुष जो है टूटा हुआ है, और वो क्रोध से भर गए
और उसके बाद उन्होंने जो संवाद किया वहां पर, उसके बाद उन्होंने जो बातें की वहां पर, वो यहाँ पर रामचरितमानस मानस के जो का जो एक खंड है उसमें ये दिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से। तो ये आपका जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर हम शुरू कर चुके थे अपने सेशन की शुरुआत में, जब हमने अपना सेशन स्टार्ट किया था क्लास 10th का, तब हमने चैप्टर शुरू कर दिया था। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी उन्हें पता है। तो इसके कवि हैं तुलसीदास जी, तो यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी दिया गया है, जो कि आपके पाठ में भी दिया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया है। तो आप एक बार वहां से भी पढ़ ले, और देखिए कुछ रचनाएं भी उनकी दी गई हैं, उनकी एक तरह से जो भाषा है, भाषा शैली जो है, उसके विषय पर भी, विषय में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और लास्ट में देखिए जो कविता का सार है यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए कविता का सार जो है वो मैंने आपको शुरुआत में ही क्लियर कर दिया कि इस पूरे जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है इसके अंतर क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, और उसके बाद वो अपना संवाद जो है स्टार्ट करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, और उनके उस क्रोध को देखकर परशुराम लक्ष्मण जी किस तरह व्यंग भरे वचनों से उनका उत्तर देते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज फिर से हमारे सेशन की शुरुआत हो रही है छुट्टियों के बाद, क्योंकि उस टाइम पे जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की होगी वो भी अभी पढ़ लेंगे। और वैसे तो ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, नाथ संबोधन भंज निहारा आयसु काह कहई किन, नाथ संबोधन भंज निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहई किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, सेवक सो जो करे सेवकाई अकार नि करी करा लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारी जेहि सब राजा, सुनि मुनि बचन लखनु मुस्काने बोले परसु धरही अपमाने, बहु धनु ही तोरी लरकाई कवहु न असि रिस कीन्ही गोसाई, एही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कुछ इनमें कहा गया है। तो देखिए जब परशुराम जी क्रोध से भर गए हैं तो क्या कहते हैं, नाथ संबु धनु भंज निहारा होई कऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहई किन मोही सुनि रिसाई बोली मुनि मोही। जब वो आए बहुत ज्यादा क्रोधित थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और तुरंत ही आकर बोले कि किसने तोड़ा ये शिव धनुष, ये शिव धनुष तोड़ने की किसने यहाँ पर कोशिश की, किसने हिम्मत की इस शिव धनुष को तोड़ने की। तो उस टाइम पे रामचंद्र जी ने बड़े ही प्रेम से मुस्काते हुए कहा, नाथ संबु धनु भंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा, उन्होंने कहा कि हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, यानी कि उन्होंने अपने आप को उनका दास बताया। उन्होंने कहा रामचंद्र जी ने कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, आयसु कह कह किन मोई सुनि रिसाई बोली मुनि कोई, कि आपको जो कुछ कहना है आप उसे कहिए, क्योंकि कोई ना कोई कोई आपका दास, कोई आपका सेवक ही होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा, आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए। तो परशुराम जी फिर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते सेवक सो जो करे सेवकाई, तुम कह रहे हो कि वो आपका दास होगा, वो आपका सेवक होगा, पर दास और जो सेवक होते हैं उनका तो काम होता है सेवक सेवा करना, जो दास होते हैं सेवक होते हैं उनका काम होता है सेवा करना, लेकिन यहाँ पर तो सेवा नहीं बल्कि उल्टा ही किया गया है। अकारण ही करी करे लड़ाई, कि तुम अकारण ही एक तरह से लड़ना चाहते हो, सुन ही राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, हे राम कान खोल कर सुन लो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा होगा वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है,
वो मेरा शत्रु है, मैं उसको मार डालूंगा जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तमारी जेहि सब राजा। मैं कह रहा हूं अभी भी कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो समाज से बाहर निकल जाए, यानी कि वो अपना जो गुनाह उसने किया है उसको उसको स्वीकार कर ले कि मैंने इस शिव धनुष को तोड़ा है, और समाज से बाहर आ जाए, वरना ये सारे राजा जो है मारे जाएंगे। न तमारी जेहि ही सब राजा, नहीं तो मैं यहाँ पर जितने भी राजा हैं सबको एक एक करके मार डालूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वचन सुनकर, मुनि की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा उठे। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, और क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि उनको एक तरह से, आपने देखा होगा जो लक्ष्मण जी का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा कैसा है, गुस्सैल है। वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परशुराम जी का वो गुस्सा देखकर, क्योंकि राम के लिए इतना एक धनुष तोड़ना बहुत ही छोटी सी बात है, और उनको लग रहा है कि इतनी छोटी सी बात पर परशुराम जी इतना गुस्सा कर रहे हैं, तो वो मुस्कुराने लगे। मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। और परशुधर अर्थात परशुराम का एक तरह से अपमान करते हुए, यानी कि व्यंग भरे शब्दों में कहने लगे, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सिर सी कीनी गोसाई। हमने तो अपने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं हे गोसाई, हे नाथ, कि आज तक हम पर किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की बात सुनकर भृगुकुल केतु, यानी कि जो परशुराम जी है, उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया, और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के पुत्र, तू जानता नहीं है, अभी बोलने से पहले तू थोड़ा सा संभाल के बोल तू क्या बोल रहा है, क्योंकि धनु सम त्रिपुरारी धनु, तो ये बाकी धनुषों को जो तुम्हारी धनुया है जो तुमने बचपन में तोड़ी है उनकी तुलना तुम शिव के धनुष से कर रहे हो, उनकी तुलना तुम त्रिपुरारी के, जो त्रिपुरारी शिव के हैं उनके धनुष से कर रहे हो। तुम शिव धनुष की महिमा को जानते नहीं हो। शिव धनुष की महिमा को सारा संसार जानता है, और मुझे लगता है कि तुम शिव धनुष की महिमा को जानते नहीं हो। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने इसके भावार्थ को भी जाना था, और मुझे लगता है मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से आपको ये डिस्कस कर दिया है जो इसका भावार्थ है। तो लास्ट जो सेशन के शुरुआत में पढ़ाया था तब भी मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इस भावार्थ को खुद से लिख कर लाएंगे। तो आज का भी आपका ये होमवर्क है कि आप इस भावार्थ को खुद से घर पर एक बार लिख कर लाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सरल है। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा। तो पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको बताया है उसकी सप्रसंग व्याख्या आप इस तरह से करके लाएंगे। कहीं पर भी कोई डाउट होगा उसे नेक्स्ट सेशन में हम क्लियर करेंगे। अगले पद को पढ़ते हैं यहाँ पर। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुना हूँ देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुना हूँ देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। चुअत टूटी रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई न रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधाऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। ध्यान पूर्वक भावार्थ समझने का प्रयास करें। लखन कहा हसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, सुना हूँ देव सब धनुष समाना, है देव धनुष तो सारे एक जैसे होते हैं, सब
सभी धनुष एक जैसे होते हैं, काछ अति लाभ जून धनु तोरे। क्या इसके लिए, अब एक धनुष के लिए भी आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? एक धनुष के टूटने पर भी क्या लाभ और क्या हानि? देखा राम नयन के भोरे। ये तो केवल रामचंद्र जी ने देखने मात्र से ही, यानी कि रामचंद्र जी केवल छुअत टूट रघुपति न दोसु। इसमें रघुपति का, राघव का, रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि उनके छूने मात्र से ही ये टूट गया था। मुनि बिनु काज करत कत रोसु। आप बिना कारण कितना रोष कर रहे हैं, कितना क्रोध कर रहे हैं। आप ऐसा ना करें, क्योंकि रामचंद्र जी के केवल छूने मात्र से ये धनुष टूट गया था। बोले चितौ परसु की ओरा। अब अपने फरसे की ओर, अपने परसु की ओर देखते हुए फिर से परशुराम जी कहते हैं, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। हे बालक, लगता है तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, तूने मेरे बारे में नहीं जाना है। बालक बोली बधऊ नहीं तोई। मैं तेरे को बालक समझकर, बच्चा समझकर बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, तेरी बातें सुन रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू केवल मुझे एक साधारण मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे क्रोध से सारा संसार कांप जाता है। मैं केवल बालक समझकर तुझे छोड़ रहा हूँ और तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और हमेशा से क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला, क्षत्रिय कुल का विरोध करने वाला मैं रहा हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देव न दीनी। सहस बाहु छे भुज छेद निहारा, परसु बिलोक वे महिप कुमारा। तो मेरे परसु को देखो, मेरे परसे को देखो, ये हमेशा, इसने सहस्र बाहु का ये वध करने वाला मेरा जो फरसा है, इसको ध्यान से देखे राजा के पुत्र। आगे कहते हैं, मातु पिता ही जन सोच बस करिस महिष किशोर, गर्भ इनकी अगर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच कर, मात पिता ही जनी सोच बस करिस महिष किशोर, गर्भा के अगर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मैं केवल और केवल तुम्हारे माता पिता के विषय में सोच रहा हूँ कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। क्योंकि जो मेरा फरसा है, ये जो मेरी कुल्हाड़ी है, ये तो गर्भक के अगर्भक दलन, ये तो गर्भ में पल रहे शिशुओं के विषय में तक नहीं छोड़ सोचता, गर्भ में पल रहे शिशुओं को तक मार देता है। तो तू अपने माता पिता के विषय में सोच और उनके बारे में जान कि तेरी मृत्यु के बाद उनका क्या हाल होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दूसरे, जो हमारा दूसरा जो पद है, उसके भी भावार्थ को हमने यहाँ पर जाना था। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी, वही देखिए, जो चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, वही चीजें हैं कि लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं, हे देव सुनिए कि हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान है, और पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, उनको लगा था कि ये नया है, लेकिन ये तो उनके छूने मात्र से टूट गया। आप यहाँ पर रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, इसीलिए आप अकारण क्रोध ना करें। और इस तरह से परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोलते हैं कि ये हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, और मैं तुझे बालक जानकर अभी तक नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि तू तो मुझे निरा मुनि समझ रहा है। मैं बल्कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, और क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में विश्व विख्यात हूँ। और मैं अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के राजाओं, पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, और बहुत बार मैंने उन्हें ब्राह्मणों को दे डाला। और इस तरह से तू हे अपने माता पिता को सोच के वश न कर, यानी कि तू अपने माता पिता के बारे में सोच कर ज्यादा वो मत कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों में पल रहे बच्चों को तक मार डालता है। तो इस तरह से देखिए, दूसरा दूसरा भेद हमने यहाँ पर पढ़ा, दूसरा पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ा। तीसरे पार्ट को यहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको आनंद भी आ रहा होगा पढ़ने में। और मुझे लगता है, क्योंकि जिन बच्चों ने रामायण की जो कथा है,
जो आपका टीवी में आती, से पहले भी टीवी में आती थी, जिन बच्चों ने देखी होगी वो इसको बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से उनको समझ आ रही होगी। और जैसे जिन बच्चों ने अपने जो गांव में या शहर में जो रामलीला होती है, जिसमें पूरा रामचरितमानस में जितनी भी राम जी से जुड़े हुए, राम जी की जो पूरी कथा है उसको दर्शाया जाता है पात्रों के माध्यम से, तो उसको जिसने अगर देखा होगा तो उसके लिए ये चीजें समझना बहुत ही आसान होगा और उनको बहुत ज्यादा आनंद भी आ रहा होगा इसको पढ़ने में। तो ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। बहस लखन बोले मृद बानी, अहो मुनि तू महाघट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा, चहत उड़ावन फू की पहारू, इहां कुम्हार बतिया कोहु नाई। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका पाठ है, ये पाठ आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, यानी कि आपकी परीक्षाओं में भी ये चैप्टर आने वाला है। तो इसको आप ध्यान पूर्वक इसमें से इस तरह के ही आपके जो पाठ होते हैं, पद्यांश होते हैं, काव्यांश होते हैं, वो आपके आते हैं एग्जाम में, और उसमें से आपने उसका, आपने पाठ का नाम और जो लेखक हैं, कवि हैं, उनका नाम, और साथ ही इसका सप्रसंग व्याख्या और आपने करनी होती है। और तो यहाँ पर एक एक जो मैं पद आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुने। बहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि सु महाघट मानी, पोनी पोनी मोहि दिखाव कुटारा, चहत उड़ावन फू की पहारू, इहां कुम्हार बतिया को उनाई, दे जे तरजनी दे की मरे जाही, दे की कुठार उस सरासन बाना, मैं कछु कहां सहित अभिमाना, सहित अभिमाना, मृग सुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहाऊ कहाऊ तहाऊ रित रोकी, सूर महिसुर हरिजन अरु अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा अपरिय तुम्हारे, कोटि कुल सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहे ऊ क्षमाऊ महा मुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां। तो लखन लक्ष्मण जी बहस लखन बोले मृदुवानी, अपनी मृदुल भाषा से अब लक्ष्मण जी थोड़ा सा शांत हो गए हैं, और कैसे शांत हुए हैं और क्या कह रहे हैं देखिए। बहस लखन बोले मृदुवानी, बहस तो कर रहे हैं अभी लेकिन अब थोड़ा सा शांत हो गए, कहते हैं अहो महसी महाभट मानी, ये परशुराम जी पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारा, आप मुझे क्या बार बार अपना ये फरसा क्यों दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूक की पहारा, क्या आप तो ऐसा लगता है जैसे फूक मारकर ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे फूक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे, बिल्कुल इतना ज्यादा क्रोध लग रहा है आपके अंदर। इहा कुम्हार बतिया को हुनाई, यहाँ कोई भी कुम्हार की बतिया नहीं है, जे तर्जनी देख ही मारे जाही, तो जिस प्रकार जो कुम्हार की बतिया होती है वो किस तरह से अपने हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी जो घड़ा होता है या कोई भी बर्तन होता है उसको टच करता है और उस शेप देता रहता है, बिल्कुल अपने सर्कल में आपने देखा होगा किस तरह से जो कुम्हार होते हैं वो बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, ठीक है। यहाँ कुम्हार बतिया को नाई, जे तर्जनी देख ही मर जाई, कि केवल तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाएंगे या डर जाएंगे, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, इतना कमजोर इतना हल्का कोई नहीं है यहाँ पर। दिखाओ कुठार सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि आप बार बार जो कुठार यानी कि कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, मैं कछु कहा सरिस अभिमाना, कि मैं आप जो इतना अभिमान कर रहे हैं, भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, मैं आपको भृगुसुत यानी कि भृगु ऋषि के पुत्र और जनेऊ बिलोकी आपके गले में जनेऊ देखकर, क्योंकि क्या कहते हैं आगे देखिए, जो कछु कहा उस तहा उरित रोकी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं और मैं उस सबको सहन कर रहा हूँ, अपनी रिस रोक रहा हूँ, अपना गुस्सा रोक रहा हूँ, अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको सुनकर। तो
सुर महिसुर हरिजन वर गाई। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमारे यहाँ सुर अर्थात देवता, महिसुर हरिजन, हरिजन अर्थात भगवान के जो भक्त हैं, और गाई हमारे यहाँ जो ब्राह्मण होता है, सुर होते हैं और आपके हरिजन होते हैं भगवान का भजन करने वाले लोग, और गाय जो होती है। हमरे कुल इन पर न सुराई। हमरे कुल में, हमारे खानदान में रघुकुल की एक रीति है कि यहाँ पर ब्राह्मणों पर, गाय पर और जितने भी हरिजन हैं उन पर हाथ नहीं उठाया जाता है। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु ना अपा परिय तुम्हारे। कि मैं ये सब करके अपने सर पर पाप और अपकीर्ति नहीं लेना चाहता कि मैंने एक ब्राह्मण का वध कर दिया, मैंने एक ब्राह्मण को मार दिया, ये अपकीर्ति, ये पाप मैं नहीं सहना चाहता। मारतहु पा परिय तुम्हारे, इसलिए मैं बार बार रुक रहा हूँ। कोटि कुलसि सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबाण कुठारा। आपके ये कुटिल वचन सुनकर भी मैंने अपने धनुष बाण को शांत करके रखा है, तो एक तरह से व्यर्थ रखा है। जो बिलो के अनुचित कहे उस समय हूँ महा मुनि जी। आप देखिए, जब परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फिर लक्ष्मण जी का भी गुस्सा बढ़ जाता है, तो लक्ष्मण जी भी उन पर क्या करते हैं और ज्यादा उन्हें बातें कहने लगते हैं कि हम, मैं आपको एक गुरु, एक ब्राह्मण समझकर, एक सुर समझकर, एक हरिजन यानी कि जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के लिए, भगवान की आराधना करते हैं समझकर, मैं आपका आदर कर रहा हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर धनुष नहीं उठा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत कमजोर हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे कुल की ये रीति है कि इन पर यहाँ पर हाथ नहीं उठाया जाता। तो इस तरह से अब क्योंकि रामचंद्र जी जो है ये सब चीजें सुन रहे हैं, तो लास्ट में वो खुद ही परशुराम जी के को हाथ जोड़कर बहुत ही ज्यादा विनम्रता के साथ, जो बिलो के अनुचित कहे हूँ क्षमा महा मुनि धीर, सुनि सरोस भृगु वंश मनी, बोली गिरा गंभीर। जो यहाँ पर रामचंद्र जी ने कहा कि जो भी हमने, जो अनुचित, जो हमने, अगर मैंने कुछ अनुचित आपसे अगर कह दिया हो, कुछ अनुचित आपसे अगर कह दिया हो कि ये महामुनि आप क्षमा करें, सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, और गंभीर भाषा में उनसे बोली। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी, देखिए भावार्थ को भी यहाँ पर पढ़ देती हूँ कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, कि आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, और आप केवल फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। आपके क्रोध को देखकर लगता है कि जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी कुम्हार की बतिया नहीं है, कोई भी कच्चा फल नहीं है कि जो तर्जनी, जो हमारी तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी को देखकर ही मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर, यज्ञोपवीत देखकर, जो कुछ भी आप कहते हैं मैं उसे क्रोध रोक कर सह लेता हूँ। क्यों सहता हूँ? क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारे भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपके एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें एक तरह से आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर अगर मैंने आपसे कुछ अनुचित कहा होगा, तो हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी भी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। अब क्या कहते हैं परशुराम जी, देखिए हमने यहाँ पर अपने तीन पदों को एक यहाँ पर पढ़ लिया है, और बाकी के जितने भी हमारे, हमारा ये जो पाठ शेष रह गया है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है,
जिन्होंने नहीं किया है आज घर जाकर जितने भी हमने यहाँ पर पाठ आपको पढ़ाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको घर पर जाकर पढ़ें और उनका सप्रसंग व्याख्या भावार्थ कर लिखें और कठिन शब्दों को भी नोट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।